हाँ कभी कभी होता है। जी आप चेक कीजिए सर, देखिए वहाँ पे आपको 4,999 रुपये का रिवार्ड मिला है सर, आप चेक कीजिए, देखिए घंटी के निशान पे आपको प्राप्त हुआ है सर, चेक कीजिए ठीक है, जी, चेक कीजिए, मैं लाइन पे बना हूँ सर, आप फोन पे को ओपन करके चेक कीजिए। हाँ ओपन किया सर फोन पे को? हाँ हाँ देखिए ऊपर में घंटी का निशान दिख रही है सर, घंटी का, हाँ हाँ घंटी के निशान पे क्लिक कीजिए, देखिए वहाँ पे आपको बता रहा है सर 4,999 रुपया, नहीं दिखा रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर, नहीं एक बार इसको रिप्ले करके क्लिक कीजिए सर, किया लेकिन नहीं। रिप्ले करके क्लिक कीजिए सर, एक बार बैक करके क्लिक कीजिए, देखिए दिख रहा है सर, दिख रहा है सर वहाँ पे, हाँ हाँ इसको बैंक ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन दिया है सर वहाँ पे, पे करने के बैंक लिए आ रहा बैंक तो पे का पे और डिसलाइन लेटर का ऑप्शन दे रहा है ना सर, है। हाँ हाँ तो आपको वॉलेट में वॉलेट से पे करना है सर, आप पे पे पर क्लिक कीजिए, देखिए आपका बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा है सर वहाँ पे, कहाँ पे? हाँ आप पे पे पर क्लिक कीजिए, देखिए आपका बैंक अकाउंट नंबर दिख रहा है वहाँ पे, पे करूंगा तो मेरे अकाउंट से कट हो जाएंगे ना नहीं सर देखिए आपको वॉलेट से पे करना हो कर रहे हैं सर, आप अपने अकाउंट से डेबिट नहीं होगा सर आपको, ये? नहीं, ये इसका तो नहीं पता मुझे। नहीं सर देखिए अब आपको वॉलेट में प्राप्त हुआ है, जो वॉलेट से आप पे करके अपने अकाउंट में क्रेडिट करेंगे सर उसको, नहीं, अभी तो नहीं हो सकता वो। मैं बात कर लूंगा घर से, इसके बाद देखूंगा। इसका तो लिमिट टाइम होता है ना सर, इसका तो लिमिट टाइम 5 मिनट का होता है, 5 मिनट के अंदर आप यदि अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर पाएंगे सर तो आपको कैंसिल हो जाएगा फिर, जाने तो फिर अभी नहीं कर सकता ना फिर मैं। देखिए आपके अकाउंट से 1 भी रुपया चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है सर, ये फोन पे कंपनी जिम्मेदारी लेती है, ठीक है, आपको देखिए वॉलेट से पे करके इसमें आप फोन पे से कभी किसी को ट्रांसफर किए हैं सर, पैसा देन लेन किए हैं आप? जो आप देखिए किसी को पैसा यदि भेजे होंगे सर तो आप अपने अकाउंट से इसको सेंड करना पड़ता होगा सर, तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा किसी दूसरे के अकाउंट में, हाँ लेकिन पे करने पर भी जाता है। पे करने से नहीं जाएगा सर, पे करने से कैसे जाएगा सर, पे करने से तो आप अपने अकाउंट से पे थोड़ा कर रहे हैं, वहाँ वॉलेट में आपको प्राप्त हुआ है सर, वॉलेट से आप पे करेंगे फिर अपने बैंक अकाउंट को दिखेगा वहाँ पे, वहाँ बैंक अकाउंट के नीचे में फिर पे का ऑप्शन बताएगा, आप पे पर क्लिक करेंगे फिर वहाँ पे आपको बैलेंस चेक करने के लिए आपको वहाँ पे ऑप्शन बताएगा, बैलेंस चेक करने के लिए आपका UPI पिन मांगेगा, वहाँ पे UPI पिन डाल के बैलेंस को चेक करना है सर, नहीं ठीक है, मैं बात करता हूँ उसके बाद ही करूँगा, मैं ये नहीं कर सकता मैं, सॉरी। आपका 1 भी रुपया चार्ज इसमें नहीं कटेगा, ठीक है सर, हाँ आपसे कोई यदि फ्रॉड यदि करेगा ना सर तो आपको बैंक के डिटेल्स के बारे में जानकारियां पूछेगा वो सर, जैसे बैंक के अकाउंट नंबर है, ATM कार्ड का नंबर है, वो OTP है, CVV है, पिन पासवर्ड है, ये सब की जानकारियां पूछेगा सर, आपसे कोई जानकारियां नहीं पूछी जा रही है, हाँ लेकिन मैं बात करूंगा तभी ये कर सकता हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता। ठीक है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर, हाँ ठीक है ठीक है, इसको नहीं करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो अभी आपको घंटी के निशान पर मिला है, आप ऐड कर लीजिए इसको, ठीक है सर, मैं लाइन पे बना हूँ ना सर, आपको यदि ऐड नहीं होगा तो आप बोलेंगे सर, आपका पैसा यदि कटेगा तो आप इस नंबर पे FIR भी कर सकते हैं सर, मेरा नौकरी भी जा सकती है, मैं अपने नौकरी गंवा सकता हूँ सर, ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन आपको बता दिया मैंने। ठीक है बात करके क्लिक कीजिएगा, ठीक है सर, जब आपको करना होगा तो कॉल कीजिएगा, हाँ यहाँ से डाल दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओके।